यूपी में करीब 6 साल पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। खासकर मुख्तार अंसारी का पूरा सिंडिकेट ध्वस्त करने की लगातार कार्रवाई हुई है। इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी का खौफ यहां के अफसरों से लेकर प्रतिद्वंदी माफिया गुटों पर अब भी बरकरार है। ताजा मामला मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत से जुड़ा है। अब्बास अंसारी से जेल के अंदर उसकी पत्नी निखत का लगातार मिलना बेहद गंभीर मामला है। साफ है कि जेल के बड़े अधिकारियों के मिली भगत के बिना यह संभव नहीं है। इस मामले ने बांदा जेल में लंबे समय तक किसी सुपरिटेंडेंट की तैनाती नहीं होने के पीछे के कारणों को भी साफ कर दिया है। मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी लाए जाने के बाद से बांदा की ही जेल में बंद है। करीब 1.5 साल बाद बांदा जेल को सुपरिटेंडेंट मिला है। राज्य में योगी की सरकार होने के बाद भी कई अधिकारी यहां ट्रांसफर होने के बाद भी चार्ज लेने नहीं पहुंचे थे। चित्रकूट जिला कारागार रगौली में बंद विधायक अब्बास अंसारी को उसकी पत्नी निखत अंसारी से चोरी छिपे मुलाकात कराई जा रही थी। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात लंबे समय से हो रही थी। डिप्टी जेलर के कमरे में भी अब्बास और निखत की मुलाकात होती थी। अब्बास के यहाँ आने के बाद पत्नी निखत बानो ने चित्रकूट में किराए पर मकान ले लिया, लेकिन पूरे दिन वह जेल के अंदर अब्बास के साथ घर की तरह रहती थी। शुक्रवार दोपहर मुलाकात की जानकारी डीएम और एसपी तक पहुंची तो अचानक छापेमारी हुई और भेद खुल गया। फिलहाल चौकी प्रभारी की तहरीर पर अब्बास और निखत के अलावा उसके चालक नियाज और जेल अधीक्षक अशोक कुमार, सागर उप कारागार अधीक्षक सुशील कुमार, जेल के सिपाही जगमोहन व ड्यूटी पर मौजूद जेल के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बेटे के जेल चित्रकूट से पहले मुख्तार की जेल बांदा में भी उसका खौफ दिखाई दिया था। वहां 15 माह 13 दिन बाद किसी सुपरिटेंडेंट की तैनाती हो सकी थी। करीब 1.5 साल तक सबसे बड़ी कुर्सी खाली थी। इसके पीछे मुख्तार अंसारी का ही खौफ बताया जाता रहा। हालत यह थी कि अधिकारी सस्पेंड हो गए, लेकिन यहां चार्ज नहीं लिया था। पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को 7 अप्रैल 2021 को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यहां शिफ्ट किया गया था। 7 जून 2022 को तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन ने कारागार का औचक निरीक्षण किया था। मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। मामले में डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षकों को निलंबित किया गया था। मुख्तार को जब बांदा जेल लाया गया, यहां प्रभारी जेल अधीक्षक प्रमोद त्रिपाठी की तैनाती थी। मुख्तार की शिफ्टिंग के 38 दिन बाद 17 मई 2021 को उन्नाव कारागार में तैनात सीनियर सुपरिटेंडेंट अरुण कुमार सिंह को बांदा जेल भेजा गया। वह 4 माह 29 दिन रहे। 17 अक्टूबर को वह मेडिकल लीव पर चले गए और नहीं लौटे। 11 नवंबर को उन्हें लखनऊ स्थित संपूर्णानंद कारागार से अटैच किया गया। उनके बाद यहां की जिम्मेदारी के लिए 2 और सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग हुई, पर दोनों ने ज्वाइन नहीं किया। 11 नवंबर 2021 को बरेली कारागार के सुपरिटेंडेंट विजय विक्रम सिंह की पोस्टिंग बांदा के लिए की गई, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। गृह विभाग ने उनको 29 नवंबर को सस्पेंड करने के साथ संपूर्णानंद कारागार से संबद्ध कर दिया। 30 जून 2022 को लखीमपुर खीरी कारागार के सीनियर सुपरिटेंडेंट पवन प्रताप की पोस्टिंग के आदेश हुए। उन्होंने बांदा कारागार का चार्ज लेने के बजाय ट्रांसफर बाराबंकी कारागार करा लिया। बाराबंकी में सुपरिटेंडेंट का पद है। पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह को माफिया मुख्तार अंसारी का मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाता है। ब्रिजेश सिंह पर अपने साथी त्रिभुवन सिंह के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी पर हमले का आरोप है। इसी आरोप में गाजीपुर के विशेष अदालत में केस भी चल रहा है। इस केस के ट्रायल पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक त्रिभुवन सिंह की गुहार पर लगाई गई है। त्रिभुवन ने गाजीपुर में अपनी जान को मुख्तार अंसारी और उनके लोगों से खतरा बताया है। अदालत से मांग की है कि मामले की सुनवाई किसी अन्य जिले में कराई जाए।